वो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव डन इट, आप रचयिता बन गई। यस, कैसे फील होता है काव्यानी जी? थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत, मुझे बहुत मजा आया हैकाथॉन खेल के, बहुत ज्यादा मजा आया। और एक्चुअली मैं कहना चाहती हूँ सर कि इतना अच्छा है आपका वो कोर्स, और मैं क्या बताऊँ, मतलब एक्सप्रेस मैं नहीं कर पा रही, बहुत ही बढ़िया है सर, बहुत अच्छा है सर, माइंड ब्लोइंग सर एक्चुअली। थैंक यू सो मच कामयानी जी। लेकिन कैसे फील होता है आज एक इकोसिस्टम क्रिएट करके अपने हाथों से? हाउ डू यू फील, कितनी ताकत आ गई अंदर? बहुत ज्यादा सर, मजा आ गया। मतलब लाइफ में एक मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो, मतलब अगर 45 था तो आज 100% बढ़ चुका है। एक्चुअली मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ सर, आज मैं अर्न कर रही हूँ, तो मुझे मजा आ रहा है सर, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। वाओ, फैंटास्टिक, आपने ऑलरेडी पैसा कमाना शुरू कर दिया। यस सर, यस सर, सर आपका बस आपकी कृपा से, मतलब हमने सीखा, आपने जो हमें सिखाया, आप बोले करते गए, हम लोग भी वैसे ही करते चले गए, और आज मैं कर पा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। आई रियली आई एम फीलिंग गुड, बहुत ज्यादा। फैंटास्टिक कामयानी जी, मैंने आपका इकोसिस्टम जब देखा तब मुझे महसूस हुआ कि यार कितनी सिंप्लिसिटी से भी आप इतनी अमेजिंग अमेजिंग चीजें कर सकती हैं। Hats off to you, hats off to you, hats off to you. कामयानी जी, इस समय सैकड़ों हजारों लोग आपको देख रहे हैं और हर किसी के मन के अंदर है, मुझे भी कामयानी मिश्रा की तरह बनना है, मुझे भी कामयानी बनना है। हम कामयानी को पहले जानना चाहते हैं, आप कहां से आती हैं, क्या बैकग्राउंड है, डिजिटल मार्केटिंग में कैसे आए, क्यों आए, कुछ बताइए आपके बारे में प्लीज। सर एक्चुअली मैं बिहार पटना से बिलोंग करती हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली है हमारी, और मेरे फादर जो थे वो है एक प्रैक्टिशनर है आयुर्वेद, और उनका एलोपैथ का अपना ही है, और हमारी माँ टीचर थी मिडिल स्कूल की। एक्चुअली हमने 2020 में उन्हें खो दिया, तो ये मतलब शॉकिंग था हमारे लिए, और फिर से खुद को मतलब एक आगे ले जाना, फिर से एक ये खड़े हो पाना मेरे लिए मुश्किल थी, लेकिन मुझे मतलब अब तो खैर धीरे धीरे, वो आप कहते हैं ना कि जो चीज है उसको आप भूल जाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ो स्टेप बाय स्टेप, तो जस्ट मैं वही सब करती चली आई और फिर आज यहाँ पे हूँ। और एक्चुअली मेरी शादी 99 में ही हो गई थी, तो मतलब 22-23 साल हो चुके, उसके बावजूद भी मतलब शादी के बाद भी, जैसे बहुत सारी महिलाओं का ये होता है कि आप नहीं कर सकते कुछ, जैसे होता है कि आप लाइफ ये बंद हो गया, बट मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि हमें लगता है हमारी जर्नी शुरू हुई वहां से, स्टार्ट ही हुई थी, तो हमने शादी के बाद ही बहुत कुछ किया। मैंने सोशियोलॉजी में और एक लाइब्रेरी साइंस, दो सब्जेक्ट में हमने एमए किया, फिर मैंने शीडैक से कंप्यूटर क्लासेस की, तो थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है। एक्चुअली टेक्निकल बैकग्राउंड बहुत ज्यादा हमारा नहीं था, बट क्या था कि मतलब मेरे अंदर सर ये था कि नहीं हमें कुछ करना है। अगर आज भी देखा जाए तो मेरे तो बैक तो मेरे डायरी में कहीं ना कहीं हमने लिख रखा था कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, बट करना क्या था एक्चुअली वो चीज समझ में नहीं आ रही थी। तो फिर धीरे धीरे अभी जैसे क्या हुआ शादी के बाद, जैसे धीरे धीरे फैमिली में आप ये हो जाते हैं, एक हाउसवाइफ का जो ये होता है सर, थोड़ा सा मतलब फैमिली बैकग्राउंड होता है, सबको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए हमें करना होता है, बट मेरे अंदर था कि नहीं हमें ठीक है, अब मैं भी यही बोलती हूँ जैसे ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटी करना जरूरी होता है सर, तो बस मैं भाई मतलब सीखती ही चली गई, जब भी अपॉर्चुनिटी मिली मैं सीख, और उसके बाद सर बस आपका फिर वेबिनार मिला मुझे। एक्चुअली हमारे एक रिलेटिव हैं तो उनसे हमारी बात होती थी, तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग का जो एक क्या था कि मतलब इंग्लिश में होना ये थोड़ा सा मेरे लिए मतलब डिफिकल्ट था, वो इंग्लिश ठीक है बट ऐसा नहीं था कि हाँ एकदम फ्लुएंसी नहीं था हमारे अंदर, तो एक डर था सर अंदर कि क्या कैसे करूँ, बट ये जब मैंने आपका मतलब वेबिनार मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था,
मतलब उस दिन, मतलब क्या बताऊं, मैं खुद को स्पेशल फील कर रही थी जब, क्योंकि चूंकि मैं टाइम दे रही थी खुद के लिए, टाइम दे रही थी, और आपका वेबिनार माइंड ब्लोइंग था, बहुत ही इफेक्टिव था मेरे लिए। तो मतलब ऐसा लगा जैसे मैं एक फैमिली से मीट कर रही सर। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैं उसी दिन कोर्स भी आपका मैंने खरीदा था, आई थिंक 2021 में नवंबर में, मैंने लास्ट नवंबर में खरीदा होगा। तो वहां से जस्ट मैंने स्टार्ट किया, और फिर जैसे आप कहते हैं ना कि हाँ कोर्स खरीदो, लेकिन जैसे क्या होता है कि आपके पास जब रिकॉर्डिंग होती है तो फिर वो नहीं होता कब देखोगे, बट मैंने एक टाइम फिक्स किया कि नहीं, दो, अगर 2 घंटे ही देखना है तो देखना है, मतलब 2 से 4 के बीच में देखती। तो रेगुलर मैंने वो चीज किया, और उसके बाद फिर हैकाथॉन स्टार्ट हुआ था। हैकाथॉन तो बाद में हुआ था, तो फिर मैंने फर्स्ट में भी, चूंकि मैं ज्वाइन की थी, बट क्या था कि फर्स्ट में ज्वाइन किया, बस उसमें मैं नहीं कर पाई थी, सक्सेस नहीं हो पाई थी। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन, मतलब मेरे अंदर एक ये था कि मैंने क्यों नहीं आगे किया, मतलब मैंने एक्शन ही लिया। एक्चुअली मैं उस दिन खुद को ही रिस्पॉन्सिबल समझ रही थी कि मैंने एक्शन ही नहीं लिया, मैं थी पूरे, मतलब आपका हर वो जो था हैकथॉन का सर, वो सारा मैंने देखा था वीडियो, सारा मैं ज्वाइन हुई थी, बट मैंने किया नहीं। तो वो चीज मुझे बहुत ये लगा, तो उस दिन मैंने खुद को डिसाइड किया कि नहीं, अब और नहीं, अब सेकेंड तो बस करना ही करना है, थर्ड तक जाना ही नहीं है, मतलब दो में निकालना ही है खुद को। तो सर बस मैंने वो स्टार्ट किया, और खुद को डिटरमाइन किया कि नहीं, बस करना है तो करना है, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। यस सर, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और एक प्लान्ड यस सर, शेड्यूल, एक टाइम टेबल आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैं कंप्लीटली इसमें बिलीव करता हूं। कामयानी जी, बिल्कुल, जब हम ये सब सीखते हैं ना, जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, तब अचानक से हमारी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, रिजर्वेशंस आती बहुत हैं, ज्यादा, कठिनाइयां आती हैं। क्या बहुत ज्यादा। आपने कोई प्रॉब्लम फेस किया? मेरे तो सर प्रॉब्लम क्या, मतलब बोलते हैं ना, जिस चीज से आपको काम करना है, मेरा मतलब फोन ही खराब था, उसमें बटन नहीं थे, अगर वीडियो बनाना होता था तो कैसे करूं, मतलब जो 10 मिनट का टाइम था मैं उसमें घंटों में लगा करता था, फोन अगर ऑफ हो गया तो ऑन होना मुश्किल। तो ये सारी चीजें फेस तो बहुत कुछ किया, बट मतलब एक डिटर्मिनेशन था कि नहीं करना है, जितनी भी प्रॉब्लम आनी है आगा। और फिर जैसे ये ग्राफ जो आप सर ग्राफ बताते हैं ना, एक्चुअली वो बिल्कुल सेम वो होता है, जब ग्राफ की तरह ही अपने आप को, मैं बीच में तो मुझे लगा सर मैं कर नहीं पाऊंगी, बट फिर मैंने खुद को पूछ किया नहीं करना ही है, अब वो निकालना ही है, और अब नहीं जाना है, पीछे देखना ही नहीं है। तो बस वही होता है, वहां पे आपको खुद को थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत होती है, पेशेंस के साथ आगे आप बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस जरूर मिलती फैंटास्टिक, है सर। फैंटास्टिक। खराब फोन जिसके बटन नहीं चलते थे, वहां से आपने शुरुआत की। यस मैं क्या कहूं कामयानी जी आपसे, आप सचमुच एक आदर्श हैं। हम लोगों के पास कितनी सारी चीजें होती हैं और फिर भी हम बहाने देते रहते हैं, लेकिन आपने बहाना नहीं दिया। और आई ट्रस्ट मी, इसके रिजल्ट्स आपको आने वाली जिंदगी में माइंड ब्लोइंग मिलने वाले हैं। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। कामयानी जी, बहुत सारे लोग आपको आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप ही की तरह बनना चाहते हैं। वो आप में कामयानी नहीं, कामयाबी देख रहे हैं। आज से बिल्कुल हम सब आपको कामयाबी मिश्रा बुलाने वाले हैं। आप कामयाब हो, और जो लोग आज सुन रहे हैं उनकी कामयाबी के लिए आप क्या कहेंगी? कौन सी चीजों पे ध्यान देना जरूरी है? क्या करना चाहिए कि वो भी आप ही की तरह रचयिता बन सकें? सर, एक्चुअली क्या है, सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो आप जैसा कि बोलते हैं हमारा मन, तो वो मन पे काबू करना तो बहुत ही जरूरी है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे चौराहे पे हमने देखा है कि चारों तरफ से गाड़ी आते जाते रहती है, तो आप इमेजिन करो कि अगर वहां पे ट्रैफिक पुलिस ना हो तो वहां की क्या स्थिति होगी। सेम चीज कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, हमारा मन जब हम कुछ स्टार्ट करते हैं
तो क्या होता है, चारों तरफ से हमारी मीन्स निगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। आ ये मत करो, मतलब 100% निगेटिविटी आती है। तो हमें उस निगेटिविटी को स्टॉप करना है। जैसे कि एक ट्रैफिक पुलिस आता है और चारों तरफ की गाड़ी को स्टॉप करता है और वन साइड जाने देता है, तो सेम चीज हमें यहाँ पे भी करना है। मतलब हमने कुछ डिसाइड किया है, गोल अपने आप को दिया है कि दैट आपको वहां पे जाना है, तो बस फोकस करना है वहां पे, सारी निगेटिविटी को हटाना है, आप बिल्कुल सक्सेस होंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ आगे बढ़िए और बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा सर, ऑफ कोर्स मिलेगा। हर कोई जानना चाहता है कामयाबी जी, मैं कामयानी नहीं बुलाने वाला, आप कामयाबी ही बुलाऊंगा। कामयाबी जी, आप क्या करके पैसा कमा रही हैं, आगे कैसे आगे बढ़ रही हैं, सबको सब लोग जानना चाहते हैं। बिल्कुल सर, एक्चुअली मैं मतलब फ्रीलांसिंग को आगे ले जाना चाहती हूँ और मैं कैनवा कोर्स आगे बनाना चाहती हूँ, मेरा ये आगे मकसद है। और एक्चुअली मैं पैसा भी, अगर मेरी इनकम हो रही है तो मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग करके ही हो रही है। और पहले सर ये मतलब पता भी नहीं था कि इतनी छोटी चीज, मतलब आप उसको अगर डीपली थोड़ा सा जाओ, थोड़ा सा नॉलेज ले लो, तो एक्चुअली वो इनकम मतलब होता है। मुझे भी विश्वास नहीं था बट वो हो रहा है, तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैंने एक्चुअली फोन भी मैंने खुद के पैसे से ही खरीदे हैं, और मैंने अभी हाल में सिस्टम भी लिया है सर 20,000, जिसमें मेरे खुद के पैसे लगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आ रहा था कि मैंने कुछ किया लाइफ में सर। तो कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग मैं बोलूंगी सर कि ग्राफिक डिजाइन बहुत अच्छी चीज है और इसे बहुत इजिली कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा भी ये की जरूरत नहीं है, आप बहुत इजिली कर सकते हैं वो चीज। तो मैं कर सकती हूँ तो सर कोई भी कर सकता है एक्चुअली। यही होता है, जब हम कहते यस हैं ना कि मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है, तो सामने वाला हमेशा सोचता है, नहीं यार इनका हो गया मेरा नहीं होगा, मैं कैसे करूंगा, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है। लेकिन क्या आप सर, आज मेरे साथ बिलीव करती हैं कि आज आप कामयानी से कामयाबी सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाया और सिर्फ थोड़ा सा एक्शन लिया इसलिए बन पाई? यस सर, बिल्कुल सर। आज अगर मैं बोलूँ तो मेरा स्टेटमेंट चेंज हो गया है। अब मैं बोलती हूँ एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि मैं देख रही हूँ वो चीज हो रही है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी लोगों को कि सीक्रेट जो हम लोग सुनते हैं, तो स्ट्रेंजर सीक्रेट बहुत ही मतलब तो पावरफुल है, उसे जरूर सुने। और सर आपका अफर्मेशन मतलब वो जो सुनते हैं तो उसे तो हमारी बेसिक होती है, बट आपका जब सुनते हैं तो एक अलग एनर्जी आती है, जिससे लगता नहीं अभी मतलब तो अगर अभी डिसाइड किया कि ये करना है तो अभी ही करना है, तो बहुत मजा आता है सर सुन के। मतलब एनर्जी बहुत, मैं एनर्जेटिक हो जाती हूँ बहुत ज्यादा, बहुत बहुत अच्छा लगता है ये सर। और हैकेथॉन में जो अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन लोग के लिए भी मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले इसमें तीन चीजें ये है कि फर्स्ट है आप बिलीव, आप खुद पे बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए कि ये मैं कर सकता हूँ ये चीज, और ऑफ कोर्स आप करेंगे ही। और सेकेंड है पेशेंस, पेशेंस के साथ। और थर्ड कंसिस्टेंसी, जो कि आप हमेशा बोलते हैं सर उसे फॉलो कीजिए आप, तो बिल्कुल हम वहां तक पहुंच जाएंगे। और वैसे भी आपने इतने अच्छे तरीके से सब कुछ दिया है, वो बोलते हैं सारा कुछ हमारे सामने है, हमें कुछ कहीं से भी लाने की आवश्यकता नहीं, एवरीथिंग इज मतलब इन फ्रंट ऑफ यू, सो आपको बस करना क्या है, धीरे धीरे वन बाई वन मतलब बेबी स्टेप लेना है, और जैसे सर बोल रहे हैं आप उन्हें फॉलो कीजिए, आप वहां तक अवश्य पहुंच जाएंगे बहुत अच्छे से। फैंटास्टिक फैंटास्टिक कामयाबी जी, बिलीफ विश्वास आपको कहां से कहां ले जाता है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और कंसिस्टेंटली एक्शन लीजिए। ये तीन चीजें मैंने अपने साथ गांठ बांध के रखी हैं, विश्वास, पेशेंस और कंसिस्टेंट एक्शन। कामयाबी जी, यू आर एन इंस्पिरेशन टू एवरी वन। आज जो कोई भी आपको सुन रहा है, आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन हैं। आप एक हाउसवाइफ हैं, अपनी जिंदगी रीस्टार्ट करके, डिजिटल मार्केटिंग सीखकर, कैनवा जैसे छोटे से टूल को उठाकर आज आप अपनी कामयाबी की तरफ जोर से चल पड़ी हैं। हम सब आपके साथ हैं, वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू, और ये मेरा सौभाग्य है कि आप डिजिटल आजादी में हैं। थैंक यू सो मच कामयाबी जी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली सर मैं कविता भी लिखती हूँ, तो दो शब्द मैं वो भी कहना चाहती हूँ प्लीज प्लीज कहिए। जी, कि मंजिल है दूर
पर सफर की ठानी है, मंजिल है दूर पर सफर की ठानी है, हर कठिन राहों को आसान बनानी है। तो बस इसी पे पेशेंस के साथ आगे बढ़ते जाएं और हमें सक्सेस जरूर मिलेगी। और हैकेथॉन में जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बेस्ट ऑफ लक बोलती हूँ आगे आगे के लिए। सो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच कामया जी, थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर एंड ऑनर टू हैव यू हियर, थैंक यू सो मच। सब लोग कामयाबी जी के लिए लिखिए MPTY, more power to you, कामयाबी, she is no more कामयानी, she is कामयाबी, लिखिए more power to you, thank you कामयाबी, thank you, thank you sir, thank you so much, thank you।